अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत कुछ बदल रहा है, हर रोज नए बयान सुने जाते हैं, कहे जाते हैं। कभी स्पीकर खुद को आरएसएस का कहते हुए कांग्रेस लीडर जमीर अहमद को भी एक दिन आरएसएस को अपनाना पड़ेगा कहते देखा जा रहा है, तो कभी कर्नाटक के वजीर मधुस्वामी ने हिंदू मंदिरों की इहाते में मेले यात्राओं में चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 2002 का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून दफा 12 के मुताबिक हिंदू मंदिरों के पास किसी और मजहब के लोगों का तिजारत करना ममनू है, यानी कि पाबंदी है, लिहाजा मुसलमानों को हिंदू मंदिरों के इहाते में ठेले लगाने पर पाबंदी रहेगी। कहने का मतलब, अब नए कानून कहां कहां से आ रहे हैं और बिला खौफ या किसी झिझक के मुसलमानों के खिलाफ बोलना आज की तारीख में सबसे आसान होता दिखाई दे रहा है। सालों साल से गरीब ताजिर अपनी रोजी रोटी की खातिर कहीं पर भी अपना ठेला लगाकर घरों का गुजारा करते हैं। इन्हें किसी धर्म जात पात से कोई लेना देना नहीं रहे, किसी तरह अपना गुजारा हो जाए, इसी एक मकसद से अब तक गरीब तबका मंदिर के इहाते में, कभी दरगाहों के इहाते में खिलौने बेचकर गुजारा करता रहता है। लेकिन अब जात धर्म का खेल चल रहा है, कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान, क्या इन गरीबों की आहों का हिसाब इन्हें नहीं देना होगा? आखिर जुल्म की इंतहा नहीं तो क्या है? कभी उन गरीब ठेले वालों की जिंदगी में झांक कर तो देखो कि कैसे जिंदगी जीते रहते हैं। तुम्हें तो इख्तदार हासिल करने के लिए धर्म के नाम पर भगवा गमछा पहनकर उन गरीबों को बाहर निकाल रहे हो, क्या ये इंसाफ है? इसी तरह अब हफ्तावारी बाजारों में भी गरीब ताजिर अलग अलग गांव जाकर बाजार लगाकर गुजारा करते रहते हैं। कई जगहों पर फ्रूट वालों पर भी धर्म के नाम पर ज्यादती की जा रही है। खैर, इस मामले को आगे बढ़ाते हुए आज अदालत ने एक अहम फैसला, इस पर भी तवज्जो फरमाए कि एक अदालत ने शाहीन बाग तहरीक के वक्त जो मरकजी वजीर है, जिन्होंने एक समाज को निशाना बनाते हुए देश के गद्दारों को कहते हुए जो नारा लगाया था, इसके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी की कायद रुंदा करात ने अर्जदाद अदालत में दाखिल की थी। आज इसे अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि जो नारे मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर की जानिब से लगाए गए थे, कैसे कह सकते हो कि ये किसी मखसूस समाज को ही कहे गए थे, यानी कि अदालत कह रहे, ऐसा कहते हुए इल्जाम को खारिज भी कर दिया। वजह रहे, इससे पहले भी बाबरी मस्जिद फैसले पर वृंदा करात ने आवाज उठाई थी। CNRC के वक्त मुल्क भर में शाहीन बाग की तर्ज पर एहतजाज हुए और खासकर शाहीन बाग आलमी सतह पर भी बहस का मौजू बना रहा। इस वक्त परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर, जो वजीर और भाजपा लीडर भी है, इन्होंने देश के गद्दारों को का नारा लगाया था। परवेश वर्मा ने तो यहाँ तक कहा था कि शाहीन बाग की जो भीड़ है आपके घरों में घुसकर औरतों की इज्जत और बच्चों का कत्ल करेगी। इन्हीं बयान पर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर वृंदा करात ने अदालत में पेटिशन दाखिल करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। आज इस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि ये लोग से मुराद किसी मखसूस समाज को कहना गलत होगा, ये लोग कोई भी हो सकते हैं, सीधे तौर पर भड़काया नहीं गया। जस्टिस चंद्रधारी सिंह का हवाला देते हुए कहा, अब बयान के हक और इन सभी चीजों दो अपराध या अपराधों के गिरोह के खिलाफ बहुत सी चीजों को भी तय कर रहे हैं, एक अलग बात है, लेकिन कब और किस वक्त कह दिया गया और इरादा क्या था, केवल चुनाव जीतने का इरादा या आवाम को जुर्म करने के लिए उकसाने का इरादा, अलग अलग चीजें हैं, ऐसा आज फैसले में कहा गया। फैसले के बाद कुछ लोगों ने अपनी राय पेश करते हुए कहा कि क्या अब अदालत या हुकूमत के दबाव में फैसले तो नहीं ले रही? इससे पहले भी हिजाब के मामले पर भी कईयों ने सवाल उठाते हुए कहा था कि जो अंतरिम ऑर्डर जो दिया गया था, अंतरिम फैसला अदालत की जानिब से दिया गया था, खुद संविधान के विरोध में था, ऐसा भी कहा गया। इससे पहले भी बाबरी मस्जिद शहादत फैसला सुनाते वक्त अदालत ने यह कहते हुए तमाम मुलजमों को बाइज्जत बरी कर दिया था, मतलब बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया मालूम नहीं। तमाम फैसलों पर नजर डालने के बाद कहीं तो मुल्क के अदलिया पर भी अब सवाल उठना शुरू हुआ है। मुल्क आईन यानी संविधान सबसे अव्वल है और यही इस मुल्क की रूह है, लिहाजा फैसले भी इसी के तहत होने हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं तो संविधान को भी जानबूझकर नजरअंदाज करने की कोशिश है। मरकजी हुकूमत, जिसमें तकरीबन संघी विचारधारा से लोग बैठे हैं, इनके इशारे पर तो नहीं हो रहे, ऐसे सवालात उठना भी लाजिम हो जाता है, जबकि सभी जानते हैं कि किन लोगों को गद्दार कहा जा रहा है और आज भी कहा जाता है, एक नैरेटिव चलाया गया कि ये देशद्रोही है, ये गद्दार है, तो इसके लिए कोई अलग से बात कहने की जरूरत नहीं है। शाहीन बाग में कौन एहतजाज कर रहा था, CNRC किस समाज को निशाना बनाने के लिए निकाला गया था, फैसले किसी हुकूमत के दबाव में दिए जा सकते हैं लेकिन संविधान के दायरे में दिए जाए, ऐसा कईयों का कहना है। उत्तराखंड हुकूमत ने इसी मनमानी को आगे बढ़ाते हुए कॉमन सिविल कोड को नाफिज करने का फैसला लिया, और यह फैसला भी किस समाज को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, इसे अलग से समझने की जरूरत नहीं है। लिहाजा आज भारत की अमेरिकन भारतीय मुस्लिम परिषद ने सख्त अल्फाजों में उत्तराखंड सरकार की मजम्मत करते हुए मजहबी आजादी के खिलाफ फैसला कहा है।
AIMC ने भारत में हुकूमत की जानिब से इस्लामोबिया की भी मजम्मत की और हिंदुत्ववादी एजेंडे को बढ़ावा देने का इल्जाम भी लगाया। कॉमन सिविल कोड के आड़ में मुसलमानों पर मजालिम ढाए जाने की भी बात अमेरिकन भारतीय मुस्लिम परिषद ने की है। खैर, जिस तरह तेजी से बदलते हालात मुल्क को किस दिशा में ले जा सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। इतना जरूर है कि धर्म और नफरत की सियासत कभी किसी मुल्क को तरक्की की राह पर नहीं ले जा सकती, यही सच्चाई। 28 तारीख से 10वीं के इम्तिहान होने जा रहा है, लेकिन इस वक्त अहम फैसला लिया गया है कि अगर हिजाब पहनकर कोई तलबा इम्तिहान देना चाहती है तो इन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। लिहाजा इस बार अकलियती माशरे की लड़कियों की तादाद कम हो सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। इम्तिहान के लिए यूनिफॉर्म लाजिम किया गया है। हुकूमत की जानिब से सर्कुलर सभी सेंटर्स को दिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है तो प्राइवेट एडेड नॉन एडेड स्कूलों में स्कूल इंतजामिया के मुताबिक मुकर्रा लिबास पहनकर जाने की हिदायत दी गई। इस साल कुल 8,73,000 बच्चे इम्तिहान देंगे। बेलगाम जिला मरकजी बैंक की एक जगह के लिए आज इंतखाबात हुए, जिसमें जारकी भाई और कत्ती भाइयों में मुकाबला था। लिहाजा आज कत्ती सऊदी पैनल के संजीव अवकन्नावर ने जीत दर्ज की। बेलगाम जिला से 10 मार्केटिंग तालुका सोसाइटी से एक मेंबर DCC बैंक में जीतने के बाद चला जाता है। अशोक अवकन्नावर की मौत के बाद जगह खाली थी, उसी जगह के लिए आज चुनाव हुए। कत्ती भाइयों के मुकाबले में जारकी भाइयों का मुकाबला था, लेकिन जारकी भाइयों को यहाँ भी शिकस्त खानी पड़ी। बेलगाम जिला में जारकीहोली भाइयों का दबदबा रहा है, लेकिन मौजूदा सियासी मंजरनामा बदलता जा रहा है और एक बार फिर जारकीहोली भाइयों का पीछे रहना क्या आने वाले दिनों में सियासी तस्वीर को बदलते तो नहीं देखा जाएगा, ऐसी बहस सियासी गलियारों में देखी जा रही। जब कभी धुआंधार बारिश होती है, स्मार्ट सिटी बदसूरत बन जाती है, ऐसा बेलगाम वालों का तजुर्बा होने की बात अक्सर कही जाती है। लिहाजा आज फिर एक बार दोपहर में अचानक बिजलियों की कड़कड़ाहट से बारिश बरसी, जिसके नतीजों में शहर के कई इलाकों में पानी देखा गया। सड़कों पर भी बारिश का पानी बहता हुआ नजारा देखने को मिला। कई गटर नाले भर कर सड़क पर बहते पानी देखने को मिला। स्मार्ट सिटी के अधूरे कामों से गड्ढों में पानी भरा हुआ भी देखने को मिला। अचानक हुई बारिश से कई जगहों पर देर तक रुके हुए थे कारोबार, नकलो हरकत ठप हो गई थी। कई जगहों पर दरख्त गिरने, बिजली के खंभे गिरने, घरों की दीवार गिरने के साथ कई होर्डिंग्स को तूफानी हवा से गिरते हुए देखा गया। आज तूफानी बारिश से बाजारों में भी दोपहर के बाद लोग कम नजर आने लगे थे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।